बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कांग्रेस में एक बार फिर से बवाल देखने को मिला है। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मदन मोहन झा का और भक्त चरण दास का जमकर विरोध किया। विरोध करने वालों का कहना था कि कांग्रेस को दोनों की वजह से ही मंत्रिमंडल में सम्मानजनक जगह नहीं मिल पा रही है, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। उनका कहना था कि ये व्यवहार कांग्रेस के साथ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के भीतर जमकर बवाल काट दिया। मदन मोहन झा को खदेड़ा गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर महागठबंधन के साथ रहने को तैयार हैं, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने देंगे। यदि मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी जाती है तो वो जगह सम्मानजनक होनी चाहिए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को पार्टी कार्यालय से ही खदेड़ कर भगा दिया। खास बात यह रही कि अब मदन मोहन झा का विरोध उनके ही कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस विरोध के दौरान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। सोनिया गांधी से मिलकर करेंगे शिकायत। बवाल काट रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इस विषय पर बातचीत करेंगे और मंत्रिमंडल में उचित जगह और सम्मान का सवाल रखेंगे। ये हंगामा उस वक्त हुआ जब कांग्रेस कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। इस दौरान कार्यकर्ताओं का विरोध शुरू हो गया। मंगलवार को होना है मंत्रिमंडल का विस्तार। आपको बता दें कि मंगलवार को ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले ही कांग्रेस में फूट और विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा तोलन करने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में सीट नहीं लेंगे, मगर लेंगे तो कम से कम 5 सीट जरूर लेंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार में प्रदेश अध्यक्ष को हम नहीं मानते, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, हमारा नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं और हम उनका ही कहना मानेंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।